जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजरमेंट के बारे में हम लोग कुछ बेसिक पैमानों को समझेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा डिसमिल, बिसवा, बीघा, एकड़, हेक्टेयर के बारे में और वर्ग फीट के बारे में। तो इस तरह से हम लोग आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे ज़मीन लेता है और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि भाई मैं जो मेरा ज़मीन है कितना है, एक डिसमिल है। क्यों भाई? बड़े बड़े शहरों में क्या होता है कि ज़मीन ना डिसमिल में बिकती है, यानी कि बहुत कम बिकती है, जिसका पैसा बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत लोग बहुत ज़्यादा ना खरीद के एक डिसमिल, दो डिसमिल खरीदते हैं, जिसमें केवल एक दो रूम बनाते हैं दुकान करने के लिए। तो कुछ इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब है कि एक डिसमिल में कितना वर्ग मीटर होता है? तो एक डिसमिल में होता है 40.46 वर्ग मीटर। अब दोस्तों कुछ लोग पूछेंगे कि वर्ग मीटर में तो आपने बता दिया, वर्ग फीट में कितना होगा, यानी कितना स्क्वायर फीट होगा? अब दोस्तों एक वर्ग मीटर बराबर 10.7584 वर्ग फीट होता है। तो इस तरह से अगर आप इसमें गुणा कर देंगे 10.7584 से, तो जितना आएगा वो आपका हो जाएगा स्क्वायर फीट में। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सब के सब हमने यहाँ पे वर्ग मीटर में ही लिखा है। अगर आपको वर्ग फीट में ज्ञात करना होगा तो उसमें आपको गुणा करना होगा 10.7584 से। अब दोस्तों आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति एक बिसवा ज़मीन लिया है, दो बिसवा लिया है, तो अगर वो लिखवाने जाएगा कोर्ट में तो कितना लिखवाएगा? तो एक बिसवा बराबर होता है 126.45 वर्ग मीटर। अब दोस्तों जब कोई व्यक्ति एक बिसवा लेता है तो 126 के स्थान पे 130 वर्ग मीटर अधिकतर लोग लिखवाते हैं, लेकिन एक्चुअल में 126.45 वर्ग मीटर ही होता है। अब यहाँ देखते हैं एक बीघा में 20 बिसवा होता है। अब दोस्तों अगर एक बीघा में 20 बिसवा हो रहा है तो क्या करेंगे? एक बिसवा में अगर आप 20 से गुणा कर देंगे तो जो आपका आएगा वही आपका क्या होगा, एक बीघा में वर्ग मीटर हो जाएगा, यानी कि एक बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है। तो इस तरह से ये आपको पता हो गया डिसमिल, बिसवा और बीघा के बारे में। अब दोस्तों यहाँ देखते हैं कि एक एकड़ में कितना बीघा होता है, यानी कि एक एकड़ में 1.6 बीघा होता है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक एकड़ अगर ज़मीन है तो इसका मतलब समझिएगा कि उसका डेढ़ बीघा से भी कुछ न कुछ हल्का सा अधिक ज़मीन होगा। यानी कि आप मोटा मोटी ये समझिए कि एक एकड़ में डेढ़ बीघा से कुछ अधिक होता है। तो इस तरह से अब आपको पता हो गया कि भाई एक बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है। अगर एक एकड़ है तो यहाँ पे 1.6 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 4046.4 वर्ग मीटर, यानी कि एक एकड़ में 4046.4 वर्ग मीटर होता है। अब यहाँ देखते हैं हेक्टेयर। हेक्टेयर में क्या होता है कि एक हेक्टेयर में 3.954 बीघा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 4 बीघा, क्योंकि 4 बीघा की ये वाला आसपास है। तो एक हेक्टेयर में क्या होता है कि 4 बीघा होता है, यानी किसी का अगर ज़मीन 2 हेक्टेयर है तो आप ये समझिए कि उसका करीब करीब 8 बीघा ज़मीन है। तो इस तरह से अब आपको पता हो गया कि भाई एक बीघा में 2529 वर्ग मीटर होता है और यहाँ पे एक हेक्टेयर में करीब करीब 4 बीघा होता है, यानी कि 3.954। तो अगर आप 3.954 में गुणा कर देंगे 2529 से, जो आपका आएगा वो वाला हो जाएगा वर्ग मीटर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10,000 वर्ग मीटर को एक हेक्टेयर माना जाता है, क्योंकि ये वाला करीब करीब 10,000 के करीब ही होता है। तो इस तरह से यानी लगभग होता है। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि एक हेक्टेयर को 10,000 वर्ग मीटर माना जाता है। हालांकि अगर आप इस मेजरमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 10,000 पहुँचेगा, लेकिन 10,000 को ही माना जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था,
एक मीटर बराबर होता है 3.28 फीट। अगर वर्ग मीटर की बात करेंगे तो वर्ग का मतलब होता है कि दो बार गुणा। तो यहाँ पे अगर आप 3.28 से गुणा करेंगे दो बार तो आपका हो जाएगा 10.7584 वर्ग फीट। इसीलिए मैंने बोला था कि अगर कोई भी मेजरमेंट वर्ग मीटर में है, अगर आप उसको वर्ग फीट में चेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप 10.7584 से गुणा करेंगे तो आपका वर्ग फीट में हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर समझ आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।